ओम शांति संगम युग पर बेहद का बाप हम बच्चों को आकर नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं हमें ऐसा ऊंचा ज्ञान देते कि हम दुख की दुनिया को भूल संगम के खुशियों और परमात्म पालना के नशे में रहते हैं आइए रिवाइज़ करते हैं आज के 16 नवंबर 2022 के महावाक्यों को बाप का बनने के बाद भी माया किन बच्चों को अपनी ओर घसीट लेती है जिनमें पूरा ज्ञान नहीं है जिनमें कोई पुरानी आदत है जिन्हें बाहर का संग लग जाता है जिनका बुद्धि योग पुरानी दुनिया में भटकता है कौन सी बातें धारणा करने की हैं बाप खुद आते हैं वर्षा देना बाप का ही काम है वर्षा हमेशा क्रिएटर से मिलता है आत्माएं आती जाती रहती हैं वृद्धि को पाती रहती हैं क्रिएटर एक है लौकिक बाप दूसरा है पारलौकिक बाप शिव बाबा संगम युग में आकर क्या क्या करते हैं हमको पढ़ाते मंजिल पर ले जाते हम बच्चों को अडॉप्ट करते सुख पाने के लायक बनाते देवी देवता धर्म स्थापन करते मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देते रचता और रचना की नॉलेज देते आज के मुरली के अनुसार शिव बाबा की महिमा इस प्रकार है क्रिएटर अभोक्ता पतित पावन बेहद का बाप सर्व के सदगति दाता मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, रचना का चैतन्य बीज रूप धारणा किन्हें होती है जो औरों को दान करते हैं देहधारी को याद करने से क्या होता है गिर पड़ते दंड पड़ता योग लग नहीं सकता ऊंच पद नहीं पा सकते विक्रम विनाश नहीं होते मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती ऊंच पद पाने का आधार क्या है बाप को फॉलो करना और उनका उद्धार करना धर्म स्थापक क्या करते हैं और क्या नहीं धर्म स्थापक धर्म स्थापन करते हैं किसी को वर्षा नहीं देते परमात्म स्नेही बनने से क्या फायदे होते अकेलापन फील नहीं होता मेहनत मोहब्बत में बदल जाती धारणा किन बातों की करनी है सच्चे दिल रखनी है बेहद का सन्यास करना है बुद्धि को देहधारियों से हटाना है कर्म बंधनों के चिंतन में नहीं रहना है ज्ञान से मजबूत और हिम्मतवान बनना है ऊंच पद पाने के लिए फॉलो फादर करना है बंधनों से छूटने के लिए पूरा पूरा मोह बनना है ये थी आज की मुरली की विशेष बातें झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार तो इस झूठी दुनिया के सर्व देह से संबंधित बातें पदार्थ व्यक्तियों और वैभवों से स्वयं के बुद्धि योग को हटाकर ज्ञान चिंतन में समय व्यतीत करें और माता पिता को फॉलो कर तक्तनशीन बने ओम शांति